42वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में बदलाव का कई बार विरोध हुआ है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, आपकी याचिका क्या है और आज अदालत ने क्या कहा? केवल काम चलाऊ सरकार थी, उसको ये अधिकार नहीं था कि वो संविधान में कोई बदलाव कर सके। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो प्रियम्बल है, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जो लिखा हुआ, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर संविधान में कुछ जोड़ने की परमिशन दे दी गई तो आने वाले सरकार समय में हो सकता है सरकार कुछ घटाना भी शुरू कर दे। अगर सेकुलर जोड़ने की परमिशन दे दी गई तो कल को डेमोक्रेसी हटाने की भी परमिशन मिल जाएगी। अगर सेकुलर जोड़ने की परमिशन दे दी गई तो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी भी कोई सरकार हटा सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो संविधान का प्रियम्बल है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो संविधान की फाउंडेशन है, उसमें बदलाव की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। और आज भी सेकुलर शब्द जोड़ा गया 1976 में, जबकि संविधान के प्रियम्बल में आज भी जो डेट है वो 1949 की है, 26 नवंबर 1949 आज भी पड़ा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कि बैक डेट में डेट पड़ी है 1949 की, संविधान संशोधन हो रहा है 76 में और वो डेट भी करेक्ट नहीं की जा रही है। तो उस डेट के हिसाब से तो ऐसे लगता है कि ये सेकुलर शब्द हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि प्रियम्बल के ऊपर संविधान सभा में 6 दिन चर्चा हुई थी। 3 बार तो सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए बाकायदा प्रस्ताव आया था, प्रोफेसर केटी साहब ने प्रस्ताव पे पास किया था और उस प्रस्ताव को 3 बार संविधान सभा ने रिजेक्ट किया। तो फिर उस शब्द को दोबारा क्यों जोड़ा गया, वो भी इमरजेंसी के दौरान, जबकि लोकसभा थी ही नहीं उस समय। अदालत ने क्या कहा है, क्योंकि इससे जुड़ी कितनी याचिकाएं हैं, कुल इस पर कब सुनवाई? इससे जुड़ी 2 याचिकाएं पहले से चल रही, एक विष्णु शंकर जैन जी की है, एक सुब्रह्मण्यम स्वामी जी की है। अब हमारी याचिका और वो दोनों याचिकाएं एक साथ चलेंगी, एक साथ तीनों के ऊपर सुनवाई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में अगर सरकार इस पर कोई डिसीजन नहीं लेती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर डिसीजन लेगी। अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने इमरजेंसी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, बाकायदा प्रस्ताव पास करके इमरजेंसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। मेरा ये कहना, अगर इमरजेंसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इमरजेंसी के दौरान संविधान के प्रियम्बल को बदलना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए जैसे सब प्रस्ताव आया है संसद में कि इमरजेंसी इलीगल है, वैसे एक प्रस्ताव पास करके ओरिजिनल प्रियम्बल को रिस्टोर कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में बदलाव का कई बार विरोध हुआ है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, आपकी याचिका क्या है और आज अदालत ने क्या कहा? केवल काम चलाऊ सरकार थी, उसको ये अधिकार नहीं था कि वो संविधान में कोई बदलाव कर सके। दूसरा हमारा ये कहना है कि जो प्रियम्बल है, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी जो लिखा हुआ, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर संविधान में कुछ जोड़ने की परमिशन दे दी गई तो आने वाले सरकार समय में हो सकता है सरकार कुछ घटाना भी शुरू कर दे। अगर सेकुलर जोड़ने की परमिशन दे दी गई तो कल को डेमोक्रेसी हटाने की भी परमिशन मिल जाएगी। अगर सेकुलर जोड़ने की परमिशन दे दी गई तो इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी भी कोई सरकार हटा सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो संविधान का प्रियम्बल है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो संविधान की फाउंडेशन है, उसमें बदलाव की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। और आज भी सेकुलर शब्द जोड़ा गया 1976 में, जबकि संविधान के प्रियम्बल में आज भी जो डेट है वो 1949 की है, 26 नवंबर 1949 आज भी पड़ा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा फ्रॉड है कि बैक डेट में डेट पड़ी है 1949 की, संविधान संशोधन हो रहा है 76 में और वो डेट भी करेक्ट नहीं की जा रही है। तो उस डेट के हिसाब से तो ऐसे लगता है कि ये सेकुलर शब्द हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि प्रियम्बल के ऊपर संविधान सभा में 6 दिन चर्चा हुई थी। 3 बार तो सेकुलर शब्द जोड़ने के लिए बाकायदा प्रस्ताव आया था, प्रोफेसर केटी साहब ने प्रस्ताव पे पास किया था और उस प्रस्ताव को 3 बार संविधान सभा ने रिजेक्ट किया। तो फिर उस शब्द को दोबारा क्यों जोड़ा गया, वो भी इमरजेंसी के दौरान, जबकि लोकसभा थी ही नहीं उस समय। अदालत ने क्या कहा है, क्योंकि इससे जुड़ी कितनी याचिकाएं हैं, कुल इस पर कब सुनवाई? इससे जुड़ी 2 याचिकाएं पहले से चल रही, एक विष्णु शंकर जैन जी की है, एक सुब्रह्मण्यम स्वामी जी की है। अब हमारी याचिका और वो दोनों याचिकाएं एक साथ चलेंगी, एक साथ तीनों के ऊपर सुनवाई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले टाइम में अगर सरकार इस पर कोई डिसीजन नहीं लेती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर डिसीजन लेगी। अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने इमरजेंसी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, बाकायदा प्रस्ताव पास करके इमरजेंसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। मेरा ये कहना, अगर इमरजेंसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इमरजेंसी के दौरान संविधान के प्रियम्बल को बदलना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए जैसे सब प्रस्ताव आया है संसद में कि इमरजेंसी इलीगल है, वैसे एक प्रस्ताव पास करके ओरिजिनल प्रीएम्बल को रिस्टोर कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए।